Hallå? Kommer jag kan ni kika? Shubho, ki korcho? Badmashi mat karo, locket se mat khelo. Dekho beta, ye locket tumhe Guruji ne diya hai. Isse apne aap se kabhi alag mat karna. Ye locket hamesha tumhe buri shaktiyon se suraksha karega. Theek hai? Abhi badmashi mat karo, theek se baitho. कैसे पहुंचेंगे अब? कब पहुंचेंगे? 11 बज चुके हैं। इतनी रात को कौन हमारी मदद करेगा? इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था यार। हल लगे ना? काम करो, तुम चुप रहो। गाड़ी खराब हुई ऊपर से बोले जा रही हो। जरा गाड़ी में बैठो, तुम अंदर बैठो। तुम बात बात में भड़क जाते हो। तुम गाड़ी में बैठोगी? क्या हुआ साहब जी आपकी गाड़ी को? अरे भाई कब से आवाज दे रहे, गाड़ी खराब हुई है। जरा गाड़ी देखो यार। अभी देखता हूँ साहब जी, अभी देखता हूँ। साहब जी ऐसी कोई खराबी नहीं बनी जब बबला मैकेनिक ठीक ना कर सके। अरे तुम बातें कम करो यार, तुम गाड़ी ठीक करो जल्दी। कर रहा हूँ साहब जी मैं। वैसे आप इस वक्त सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं? तुम ज्यादा पूछो मत, जल्दी गाड़ी ठीक करो, चलो। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि सूर्य ढलने के बाद इस रास्ते पर आना जाना मना है। बहुत हादसे हो चुके हैं इस रास्ते पर। क्या? एक मिनट तो छोड़ो दादा, यहाँ पे रात को जाना मना क्यों है? मतलब क्या हुआ था? टाइम वेस्ट करो ना, तुम अंदर जाके गाड़ी में बैठो। तुम गाड़ी ठीक करा, चलो जल्दी। मेरी बात मानिए साहब जी, आप दोनों मेरे साथ अभी मेरे गांव चलें। सुबह होते चले जाइएगा। देखो फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी गाड़ी ठीक करो, ठीक है? चले जाएंगे हम। साहब जी मेरी बात को समझिए आप, आज रात आप दोनों मेरे पास ही यहाँ रुक जाइए। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक मतलब? देखो भाई हुशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है? पर ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगा। तुम गाड़ी ठीक करो, चलो। क्या कर रहे है? तो ठीक है साहब जी, मैं भी आपकी गाड़ी ठीक नहीं कर पाऊंगा। अरे बड़ी अजीब लोग हो आप, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप है के मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सुनो ना, हो सकता है सच में यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए बोल रहे हैं। देखो हम आसपास कहीं पे रुक जाएंगे ना, और देखो शुभो बहुत थक गया है। दादा आसपास होटल कुछ मिल जाएगा ना? अरे मैडम जी यहाँ पर आसपास कोई होटल वोटल नहीं है, आप दोनों का पैसा चलना ही पड़ेगा। चक्कर ना कुछ और लग रहे हैं, चोर है तू सारे। लूटना चाहते ना हम लोगों को? किधर है तेरा मैकेनिक? तो तू लग नहीं रहा। अरे तेरा दिमाग खराब हो क्या? क्या अरे मेरा कोई गैंग नहीं है, सुन मेरी बात। अब तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो तो क्या करेगा? हम यहाँ से भागना पड़ेगा, इससे पहले इसकी गैंग आ लूटने के लिए भागना पड़ेगा। शुभो चलो जल्दी, कम ऑन चलो जल्दी चलो, इसके गैंग कभी भी आ सकते हैं। चलो जल्दी भागो, जल्दी जल्दी जल्दी। फियर फाइट्स में आज देखिए डर का एक नया चेहरा। कहानी है भागलपुर पश्चिम बंगाल की, जब एक परिवार पहुंच जाता है एक रहस्यमय शादी में, और फिर शुरू होता है दहशत का एक अनदेखा अनसुना मंजर। क्या है राज उस शादी का, क्या होगा उस परिवार के साथ, जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स की कहानी जानलेवा शादी। मुझे आज भी याद है 20 मार्च की वो रात, हम अपनी गाड़ी से उस सुनसान सड़क पे जा रहे थे और कोलकाता से कुछ किलोमीटर दूर बोलपुर ही पहुंचे थे। तब मेरे साथ वो हुआ जो आपने सिर्फ कहानियों में सुना होगा। तुमने तुमने बिना सोचे समझे उस आदमी को मार दिए। अब
अपने गुस्से पर ना कंट्रोल करना सीखो। हम वैसे भी मुसीबत में हैं और तुम उसे बढ़ा रहे हो। अच्छा ठीक है, सॉरी, निकलो यहाँ से जल्दी। चलो जल्दी, हमें कहीं से मदद लेनी होगी। सर्दी के गैंग वाले आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलो तुम्हें गुस्सा करने की हर वक्त जरूरत क्या है? क्या जरूरत थी तमाश? जोविता तुम रुक क्यों गई? चलो जल्दी, क्या हुआ? दादा कोई हेल्प मिल सकती है? हमारी गाड़ी खराब हो गया रास्ते में और ऊपर से साथ में फैमिली भी है। इधर आसपास कोई होटल है क्या? दादा दादा घबराना नहीं, पास में ही शादी हो रही है, हम वही जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ, वहाँ जरूर मदद हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम किसी और जगह मैनेज कर लेंगे। दीदी ये रास्ता सेफ नहीं है, इतनी अंधेरी रात में और भी इस बच्चे के साथ अकेले अच्छा नहीं है। आइए हमारे साथ चलिए। जी चलिए। आइए। मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये सब। मेरी बात सुनो, ये लोग कैसे बात कर रहे हैं? ये लोग कैसे? विप्लव कहाँ गए ये लोग? चलो यहाँ से, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ से चलो प्लीज। चलो छोटा रिलैक्स। वो देखो वो लाइट दिख रही तुम्हें? उसी शादी की बात करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ शायद कोई मदद मिल जाए। हमें क्या लेना देना है? तुम देख रही हो ये लोग गायब हो गए। चलो नहीं प्लीज बात करो। ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? पता नहीं, आगे देख के चलते हैं। चलो इधर तो किसी की शादी लग रही है, यहाँ जरूर हमारी कोई मदद कर देगा। शादी में तो हमें रसगुल्ले खाने के लिए मिलेगा ना बाबा? हाँ देखो, ऐसे कैसे हम किसी की शादी में जा सकते? मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। तुम अपना दिमाग सादा मत चलाओ, हम अंदर जा रहे बस। अरे लेकिन विप्लव तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? देखो शादी है लेकिन कोई चहल पहल नहीं, बहुत सुनसान है और मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये। मैं अंदर देख के आता हूँ, तुम शोभा को संभालो। नमस्कार। नमस्कार। वो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। ओहो, किंतु एक्ट भालो हुए चे, इसी बहाने आप लोगों से हमारी मुलाकात हो गई। नमस्कार, अमी सुजीत। नमस्कार। आज मेरी बेटी की शादी है और आप सब हमारे मेहमान हैं, आइए ना, स्वागत है आपका। नहीं नहीं, बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी और कुछ नहीं। लेकिन हमारे पास तो कोई एक्स्ट्रा गाड़ी भी नहीं है, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आज रात भर बस यहीं रुक जाइए, क्योंकि कल सुबह के पहले तो मैं कोई बंदोबस्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। देखो अब आप सब तो मेरे गेस्ट हैं ना, मैं ऐसे कैसे आप लोगों को जाने दूं? चलिए ना अशुन प्लीज। चलो चलो चलो। अरे हम क्यों अंदर जा रहे हैं? आइए ना चलो। बेटी की शादी है ना, इसलिए जरा सजाए।
मैडम कहाँ है? आइए आइए आइए। हर कोई चुपचाप बैठा है, कोई किसी दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहा। आई तो ये हमारी वाइफ शिखा। नमस्कार। नमस्कार डाकू कादरी ने जी, हमारे नए मेहमान। बहुत अच्छा हुआ आप लोग बिल्कुल सही समय पे आए हैं। शादी है हमारी बेटी की। पता नहीं पर कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में। कितना प्यारा बच्चा है। चलिए आप चलिए ना अंदर, मेरी बेटी से मिलाती हूँ, आपसे मिलके बहुत खुश होगी। चलिए अंदर। अशोक ये है मेरी बेटी वर्षा। नमस्कार। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। अच्छा खूब सुंदर लगते तुम्हारे वर्षा। माफ कर दीजिए। देखो ये देखो ये घड़ी सवा बारह पर रुकी हुई है, और गेट के सामने भी मैंने दो तीन घड़ियां देखी, वो भी सवा बारह पर रुकी हुई है। ये अजीब नहीं है? चरिता कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। तो तुम्हें पता है और एक अजीब बात हुई है। अभी हम वो वर्षा के रूम पे गए थे और शुभो ने वहां पे गलती से लाइटर ऑन कर दिया और वो चिल्लाने लगी। तो मेरा लाइटर इस बदमाश के पास था? लाइटर दो। और पता नहीं मैं कहां कहां ढूंढ रहा था। तुम क्या परेशान क्यों हो रही हो? कई लोगों को आग से डर लगता है, सो रिलैक्स चेता। आग से डर लगता है पर ऐसे देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी ना तो हर चीज में टुकने की आदत रहती है। सब कुछ तो ठीक है, और सुजीत दादा देखो कितने अच्छे थे, प्यार से सबसे मिलवा रहे हो, तुम बस बोले जा रही हो। तुम मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। ठीक है मैं बोल रही हूँ ना कुछ गड़बड़ है, जो मन में आए वो करो। जयता सुनो, जयता देखा।
ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, और तुम मुझे कहती हो बिहेव करने के लिए, और तुम ऐसा कर रही हो। लाज कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमें जाना होगा। जयता बस तुम थक गई हो, तुम आराम करो, हम शादी में होकर आते हैं, ठीक है? तुम कहीं पे नहीं जाओगे, ना तुम जाओगे ना मैं जाऊंगी, यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे, ठीक है? चलो, आप लोग अभी तक आए नहीं, चलो, मेरी बेटी आपका इंतजार कर रही है। जी वो दादा, आप हम क्या सोच रहे थे कि हमें चलना चाहिए। आपना क्या अनेक धन्यवाद, आपने अपनी बेटी की शादी पे हमें इनवाइट किया, लेकिन अब हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते, हम चलते हैं। आप लोग यहाँ आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे तो हमारी मर्जी से ना, आखिर आप लोग हमारे मेहमान जो हो। जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी आपकी बेटी की शादी में शामिल होने की। एक्चुअली जयता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हम चलते हैं। हाँ आओ सुबह। ये सब सच है या फिर मेरा भ्रम? मैंने खुद उस चली हुई औरत को देखा है, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये औरत कौन थी और मेरी माँ के पीछे क्यों पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, पर क्या, ये तो बस शुरुआत थी, आगे मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। रसगुल्ला मेरे लिए? को रसगुल्ला पसंद है ना? नहीं नहीं अभी नहीं, पहले उसको निकालूं, वो बहुत छीछी है। पर मम्मा ने तो निकालने के लिए मना किया है। रसगुल्ला चाहिए ना, तो पहले इसे निकालो। नमस्कार, आमी सुजीत। ये कैसे हो सकता है, सुजीत बाबू की एंट्री? देर तो आज की है, पर
साल 1993, वो भी 20 साल पुरानी। इतने वक्त से बाहर आई नहीं, कहीं कुछ बस इतने से डर गई, कैसे बचाएगी अपने परिवार को? कौन हो तुम, क्या चाहते हो? प्लीज मुझे और मेरे परिवार को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जिस समय से तू भाग रही है उसी समय पे सब मर जाएंगे। जा, रोक ले मौत का अंतिम फेरा, चली जाए यहां से, चली जाए यहां से। अंतिम फेरा? मतलब सातवें फेरे पे सब मर जाएंगे? नहीं नहीं, मुझे विप्लव को सातवां फेरा देखने से रोकना होगा किसी भी हाल में। चल ले, अभी तो सिर्फ चौथा फेरा चालू है, सातवां फेरा पूरा होने तक यहीं रुकिए बाबू, और चिंता मत कीजिए, वो दोनों यहीं कहीं आसपास होंगे। ये फूल लीजिए। नहीं, मैं जरा देख रहा था। शुभ यहीं कहीं खेल रहा होगा, जयती अभी आती ही होगी, और वैसे भी यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। चलो चलो फूल दो। चलो
शुभो तुम्हारे साथ था ना? जो इतना बात क्या है? कहाँ है शुभो? सुनो, मैं सब कुछ समझाऊंगी। अभी शुभो को ढूंढना होगा। शुभो! शुभो! चेतन, चेतन तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर शुभो? शुभो कैसे होगा? शुभो को ढूंढना होगा। मैं नहीं बता, बहुत बड़े परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा आसपास। चलो ढूंढते। शुभो, 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 हमें हर जगह पे ढूंढ लिया ना विप्लव, शुभो कहीं पे भी नहीं है, कैसे ढूंढेंगे? चुपचाप रिलैक्स, हम शुभो को ढूंढ लेंगे, ठीक है? एक काम करो, तुम इस तरफ ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ, ठीक है? और जैसे शुभो मिल जाए तो आवाज दे देना। ठीक है, जाओ जाओ। विप्लव, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये भूत ये लोग छलावा कर सकता है, ठीक है? ध्यान से प्लीज। ठीक है, तुम जाओ। शुभो, 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 विप्लव, देखो शुभो मिल गए, चलो हम चलते हैं। हाँ, तुम तो वहां थी ना? क्या बोल रहे हो, चलो हमें जल्दी जाना होगा ना, सब हमारा से पहले, जल्दी चलो, मैं लेट हूँ, जल्दी चलो, आ जाओ। विप्लव, ये दोनों छलावा है, इनकी बातें मत मानो, मुझे देखो, मैं हूं तुम्हारी असली पत्नी जुईता। प्लीज विप्लव, ध्यान से देखो। विप्लव, इसकी बात मत सुनो, ये छलावा है, देखो शुभो भी मेरे साथ है, मैं हूं जुईता, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। नहीं विप्लव, ये झूठ बोल रही है, ये दोनों छलावा है। मैं अभी अभी गई थी ना यहाँ पे, याद है तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था ना, ये भूत छलावा करते हैं, ये छलावा है। मेरी बात सुनो विप्लव, वो झूठ बोल रही है, ये घड़ी सभावारा पर रुकी हुई है, और गेट के सामने भी मैंने दो तीन घड़ियां देखी, वो भी सभावारा पर रुकी हुई है। इसकी घड़ी भी सभावारा पे, मतलब ये तो। पापा जल्दी चलो ना। मैंने कहा था ना, ये भूत छलावा कर सकता है। मेरी बात सुनो, शुभो को हमें ढूंढना होगा, सब हमारे से पहले, अभी टाइम बहुत कम है, अभी 11:55 है, प्लीज जल्दी करो, तुम उस तरफ ढूंढो, मैं देखती हूँ उस तरफ। ठीक है, तुम जाओ, ध्यान से। ओके, शुभो, 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 शुभ, ये तो शुभो की लॉकेट है। शुभो, शुभो, शुभो इसको क्यों निकाला? मैंने मना किया था ना? हाँ? बताओ। वो आंटी ने बोला था कि तो ताबीज उतार दे,
मैं तुझे रसगुल्ला दूंगी, तो मैंने टॉपिक उतार दिया। फिर मुझे एक भैया मिले, वो मुझे यहाँ ले आए। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ उनका इंतजार करो, तो मैंने आपका इंतजार करा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ना बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। पापा पापा बाहर वेट करें, हमें जाना होगा। ज्योता तुम सही कह रही थी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता मिल ही नहीं रहा। सारे रास्ते शादी के मंडप की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिपना, कोई रास्ता नहीं है जाने का। अब आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। लाइटर, लाइटर चाहिए मुझे। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था, हम जब उस दुल्हन के रूम में गए थे, इसमें लाइटर गलती से ऑन कर लिया था और वो बहुत डर गई थी। मतलब ये लोग सभी आग से जल के मरे हैं, तो इसे आग से बहुत डर लगता होगा। तो कहीं ना कहीं ये आग हमें बचा सकती है। मुझे लाइटर दो। ज्योता नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या लगता है। ठीक से ढूंढो प्लीज विप्लव। ज्योता नहीं मिल रहा। तुम एक काम करो विप्लव, शुभ को संभालो। ओके, मैं ढूंढ के आती हूँ लाइटर। ज्योता तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा, ठीक है? तुम संभालो। नहीं विप्लव, मेरी बात सुनो, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम दोनों यही पे रुकना, कहीं मत जाना, ठीक है बेटा? यही पे रुको, मैं आती हूँ। ज्योता तुम्हें, ज्योता पापा, मम्मी अभी तक नहीं आई। चिंता मत कर बेटा, महाकाली तेरी मम्मी को कुछ नहीं देगा। ज्योता, ज्योता तुम। मम्मा, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ ज्योता? लाइटर का गैस खत्म हो गया था, मैं कुछ कर नहीं पाई। मैं तुम दोनों को बचा नहीं पाऊंगी। ज्योता कुछ नहीं होगा, चलो हम चलते हैं यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा, चलो। मम्मा हम मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, हाँ। चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से। हाँ, हमें कोशिश करना ही पड़ेगा, चलो। शुभ, शुभ, विप्लव, विप्लव, शुभ, 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 क्यों रो रहे हो बेबी? क्यों रो रहे हो? पापा कहाँ है? आपको इतनी देर हो गई,
पापा आपको ढूंढने गए हैं। मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि यहीं पे मेरे लिए वेट करना, कब गए? ये तो शुभ नहीं है। सब जो दिख रहा था ये सिर्फ एक भ्रम था, एक छलावा था। ये आत्माएं मेरे और मेरे परिवार के सामने अलग अलग रूप लेकर आ रही थी, हमें धोखा देकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं फंसा के रखना चाहती थी। लेकिन माँ दुर्गा को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी में तो नहीं चले गए? ज्योता, ज्योता, कुछ करना होगा। ये दुर्गा माँ मेरा साथ दो माँ। भालो भालो खूब भालो, अब हम सातवां फेरा शुरू कर पाएंगे। हमारे मेहमान अब हमारे साथ में हैं। अब देखते हैं कैसे ये सातवां फेरा देखने से रोक सकते हैं। रोक ले मौत का अंतिम फेरा। पंडित जी आखिरी फेरा शुरू कीजिए।
शुभा ठीक है ना बेटा? हाँ तुम ठीक हो ना? विप्लव ये अब नहीं रहे। कितना गलत समझा भावना को, उस पर मैंने हाथ भी उठा दिया। हमारी जान बचाने के लिए यहाँ आया था ज्योता। देखो ये शायद उनका परिवार थे जो इसी शादी में खत्म हो चुके हैं। हमें हमें चलना चाहिए विप्लव, आग बुझने से पहले। चलो 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 चलो, चलो। उस रात हम किसी तरह उस खौफनाक शादी से बच गए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हर साल उसी दिन वो शादी फिर से जिंदा उठती और राह चलते मुसाफिर की जान ले लेती थी। मैं जब बहुत छोटा था जब ये हादसा हुआ, मुझे और मेरे परिवार को इस हादसे से निकलने में बहुत समय लगा। मुझे आज भी उस डरावनी रात के सपने आते हैं।